अब तो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, लगता है आप लोग भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझको। मैंने जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड किए हैं वो पबजी की टिप तक नहीं पहुंची है, और मुझे लगता है कोई भी अब तक वीडियो नहीं पहुंची है। अब आपको पता है सीज़न 8 शुरू हो चुका है, सबने सुना होगा और उसमें गेम भी प्ले किया होगा, तो आप देख सकते हैं सीज़न 8 बहुत ही अच्छा लुक लेकर आया। आप देख सकते हैं सीज़न 8 का लुक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा है। तो इसे देखकर हमें लगता था और ऐसा सुनकर भी ऐसा ही लगता था कि सीज़न 8 जब आएगा तो ये पबजी जो एंटी चिप लेकर आएगा और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी पबजी के, और ये हैकर है इनको लात मार के निकाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है। केडी इसकी आप देख सकते हैं हाइड है, और मैं बताना चाहता हूँ ये सीज़न 7 एस का बंदा है। अभी आपने केडी इसकी देखी वहाँ पर, और सीज़न 8 नीचे लिखा हुआ था सीज़न 8 एशिया, आप देख सकते हैं ये गेम प्ले कर रहा है अभी। ये करंट 8 सीज़न की गेम प्ले है जो मैं रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड की है, क्योंकि मैं जब गेम खेल रहा था तो अपने स्क्वाड में, तो जिस तरीके से ये इस हैकर ने क्लोज में बिल्कुल वॉल के अंदर जिस तरीके से हम सबको किल किया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पबजी बिल्कुल ही मतलब खेलना नहीं चाहिए, बहुत ही बेकार गेम है। क्यों घर बनाए हुए, एक फील्ड बना दो ना, एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही फील्ड बना दो फ्लैट बिल्कुल, तो उस पर आराम से सारी टीम जितनी भी उतरती हैं वो आएंगी और अपनी गन लेकर शुरू हो जाएंगे, बंदों को मारेंगे एक दूसरे को, सामने तो देख पाएंगे ना। वॉल का क्या मतलब, जब वॉल पर हैक करके मार सकते हैं तो वॉल का क्या मतलब है पबजी में। भैया सुधर जाओ पबजी वाली टीम, और आप लोग जितने भी मेरे दर्शक हैं देखते हैं मेरे वीडियो को, लाइक करते हैं, जो भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार प्लीज़ सपोर्ट करो यार, और शेयर करो अपने सर्किल में, फैला दो, पबजी की टीम तक ये पहुँच जानी चाहिए। अब देख सकते हैं इस बंदे की केडी, इसने हाइड की हुई है क्योंकि इसकी केडी बहुत ही हाई होगी इसीलिए। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, आप इसकी केडी अगर आप देखोगे, देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है सीज़न 7 एस, मतलब सीज़न 7 एस से ये गेम प्ले करता हुआ आ रहा है, और ये अब तक बैन नहीं हुआ है, सीज़न 8 में भी ये आ चुका है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सीज़न 8 एशिया, ये अभी गेम प्ले कर रहा है। तो आपने देखा, और मुझे तो अब भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा अपने गुस्सा पे, मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्यों पबजी लोग खेल रहे हैं, इसको बंद करो, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बहुत ही बकवास हो चुका है, और ये पबजी वाले नहीं सुधरने वाले। टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट कराए जाएंगे और टीमों को बुलाएंगे, मैच कराएंगे, और बस बस क्या थोड़ा सा प्राइज देंगे और कमाई करके फिर से चले जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, जो खेलते हैं मेहनत करके, उनको ये हैकर बहुत ही आसानी से किल कर देते हैं और उनका जो गेम प्ले है बिगाड़ देते हैं बहुत ही गंदी तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने बंदा स्पॉट किया, और AKM बंदा यूज़ कर रहा है, नो रिकॉइल, देख सकते हैं कोई रिकॉइल नहीं है, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर अगर यूज़ करता है AKM तो उसका जो रिकॉइल होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं हो पाता। और इसको पता था वॉच टावर के पीछे कोई बंदा छिपा हुआ है, तो उसको जाके, सॉरी ऊपर था, मुझे लगा पीछे है, तो उसको जाके किल कर दिया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हैकिंग की वीडियो। मैंने आपसे पहले ही कहा था पिछली वीडियो में, जब तक मैं अपलोड करता रहूँगा हैकिंग की वीडियो, जब तक पबजी की टीम तक ये पहुँच नहीं जाती और पबजी इसको सुधार नहीं लेता। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मिनी, यहाँ से होलोस्कोप लगा के, वाह क्या प्लेयर है भैया। तो थोड़े सीन्स मैं कट करूँगा, ओनली मैन मैन दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे बोर हो रहे हैं, और लेकिन मैं कहता हूँ सपोर्ट करो यार, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आप देख सकते कितनी बेहतरीन स्पीड है इस, ये जो बग्गी लेके आया था इसकी स्पीड आपने देखी इतनी बेहतरीन थी, जैसे मैं एक गेम खेलता था नीड फॉर स्पीड, उसका मोस्ट वांटेड वर्जन था वो खेलता था, उसमें जो पोर्शा जो कार थी और फरारी थी जो भी उसमें कार आती थी रेसिंग की बहुत ही बेहतरीन, उनकी स्पीड के बराबर ही स्पीड मानो इसकी, थोड़ी सी कम होगी लेकिन इतनी स्पीड पबजी में ये चला रहा है, तो ये मान लो कि मोस्ट वांटेड की पोर्शा ही दौड़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हैक करते हैं, और भैया मोस्ट वांटेड की रेस में जो आपको कार मिलती हैं वो पबजी में यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये नंबर 3 मोस्टली, मुझे फर्स्ट नंबर का कंफर्म नहीं है क्योंकि इसकी केडी हाइड नहीं है, नंबर 3 की केडी हाइड है, और भाई साहब जंप का कतई जहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कि लोग इनसे कह रहे हैं भाई साहब बहुत ही मज़ा आ रहा है तू जंप करके दिखा, और ये
कमी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, जहाँ मर्जी वहाँ जैसे चाहे वैसे जंप कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पर बंदों को स्पॉट करने आए हैं शायद, या तो ब्रिज कैंप करेंगे। आप देख सकते हैं कार बैकवर्ड, वाओ, बैक में जब कार इसने यूज़ की चलाई तो कितनी बेहतरीन तरीके से और कितनी सटीक पोजीशन पर लगा दी। बहुत ही बेहतरीन बाइक राइडिंग है, सॉरी मैं भी बाइक बोल रहा हूँ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इन हैकरों को झेलते झेलते, क्योंकि मुझे मारते हैं ये और फिर सारे प्रो को मार के गेम ख़राब कर देते हैं ब्रो। देख सकते हैं एंगल पर चढ़ने की कोशिश, कार तो ये बहुत ही बेहतरीन चला रहा है और किस तरीके से जब आप, वाह बहुत ही बढ़िया, वाह गेम हो तो ऐसा, कार से भी ऊंची जंप, ट्रक ख़राब पड़ा हुआ है कोई मतलब नहीं है। एक बंदा चलो वो चढ़ गया, नॉर्मल है ऐसे चढ़ सकते हैं, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया है लेकिन मान लो चढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन चढ़ सकता है बे, कौन चढ़ सकता है ऐसे बता दो। ये देखो चढ़ गए भाई साहब ब्रिज पे, कोई स्टेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं ढूंढना कहाँ प्लेयर चढ़ेगा कहाँ नहीं, मतलब सीधे जाओ ट्रक पे चढ़ो जंप कर दो आप ऊपर, वाओ। अब ब्रिज कैंप की तैयारी हो रही है यहाँ पे, ये हैकरों को भी मतलब ज़रूरत पड़ती है ब्रिज कैंप करने की। आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिज कैंप के लिए भाई साहब नहीं हरामी कुत्ता लेटा हुआ है यहाँ पे। इस सीजन 7 से खेलता हुआ आ रहा है पबजी, वालों सुधर जाओ यार, ऐसे लोगों को कब बैन करोगे। ये देखो कला का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन भाई साहब, बिल्कुल मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, और चिकन डिनर तो इनका है ही, ये तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं आगे वीडियो में क्या होता है, चिकन डिनर ये ले पाते हैं या नहीं, या फिर इनको भी मार दिया जाता है। और इनका नाम आप देख सकते हैं भाई साहब, का नाम है तुम्हारी मौत, और बहुत ही बेहतरीन। और इसका जो एक सहपाठी है, टीममेट है, उसका नाम अगर आप देखोगे तो आप गौर से देख सकते हैं, कबीर सिंह। फिलहाल कबीर सिंह मूवी जो चल रही है उसका काफ़ी क्रेज़ है, तो लेकिन भाई साहब ने या तो अभी नाम चेंज किया है मूवी के ऊपर या फिर पहले से ही है, तो कबीर सिंह नाम रखा हुआ है, लेकिन काम बिल्कुल चिरांद वाले हैं, एक एक नंबर के चिरांद वाले काम है, चपेट मारने का मन करता है ऐसे लोगों को रियल में। प्लेयर तो भाई प्लेयर से कोई मतलब नहीं है, प्लेयर को तो कोई भी हैक करके कोई भी प्ले कर सकता है, लेकिन रियल बंदा जो खेलता है गेम उसको दिखना चाहिए किस तरीके से वो गेम खेल रहा है और किस तरीके से हैक यूज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन 2x लगा के बैठे भाई साहब कबीर सिंह मिनी पे, बहुत ही बेहतरीन। और स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से, कहीं से भी इन्हें नहीं आए, बस उसको पेल दिया जाए, और इनको कंफर्म नहीं है अभी कोई आएगा। अब ये काफ़ी बोर हो चुके हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर हो चुके हैं, तो यहाँ से ये अपनी डासिया लेकर निकल चुके हैं, और डासिया इतनी स्पीड में जा रही है कि जैसे कि नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की पोस्ट आ मैंने चलाई है, बहुत ही अच्छी। और देखिए पता नहीं कहाँ से सीधे जंप किया घर पर आके गिरी डासिया, और ये वहाँ से निकलने इनको तसल्ली नहीं मिली, ये सीधे जा रहे हैं मिलिट्री बेस की तरफ, और हो सकता है इन्हें बंदे दिखे हों, लेकिन गाड़ी बहुत ही स्पीड में जा रही है इनकी डासिया, और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो स्पीड है। लेकिन ये क्या हुआ इन पे तो गोलियां बरसने लगी भाई, बहुत ही बेहतरीन गोलियां बरसने लगी हैकर पे, हैकर को भी डर लगता है। और ये रोटेट किया यहाँ से और ओ भाई साहब दिख गया, समझ गया मैं ड्रॉप लूटने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से कार उड़ चुकी है इनकी, बहुत ही बेहतरीन, नॉर्मली कार नहीं उड़ सकती है ये, मैं मोस्ट वांटेड की कार भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी काफ़ी स्पीड में आती है तो वो जंप करती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डासिया उड़कर और इनको सेफ लेकर आ गई है, और ये नॉक हो गया है कबीर सिंह। तो मुझे नहीं लगता कबीर सिंह में कुछ दम है हैक करने के बाद भी, मुझे कंफर्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसका गेम प्ले, मैंने थोड़ा बहुत अभी मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन इसमें दम नहीं है तो मैं नंबर 3 को देखूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं नंबर 3 को फिलहाल देख रहा हूँ, और नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन एक जंपर है, बहुत ही बेहतरीन जंपिंग करता है। तब देख सकते हैं किस तरीके से जंप किया और सब सीधे ऊपर, अब भी इनका दिल नहीं भरा, अब भी इसका मन नहीं भरा, तो उसके ऊपर आ चुका है जहाँ पे अपन तो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं।
पैराशूट से अगर उतरोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन नॉर्मली नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ये चला गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया लेकिन मजबूरी है, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी नहीं देखोगे बीच बीच में क्लिप अगर मैं कट करूँगा, हाँ मैंने कुछ क्लिप्स मैंने बोला था कट करूँगा, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं है कि कट करने की ज़रूरत पड़े, तो मैं कट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको कोशिश करूँगा फिर भी कहीं से अगर मुझे लगता है तो मैं वहाँ से कट करूँगा, लेकिन सारे मेन पॉइंट हैं जो मैंने अभी तक देखे, किस तरीके से एक कार उड़ा रहा था, और आप देख सकते हैं यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश, दो नेड किए हुए हैं इसने, एक उधर एक इधर, इसका टीममेट नॉक हो गया तो इसको नीचे उतरना ही पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक केएम पे होलो स्कोप लगाकर यूज़ की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता, ओ भाई ये क्या हुआ भाई, हैकर इज़ डेड, हैकर को मार दिया गया है। तो पबजी वालों देखो ये प्रो बंदे हैं, आप देख सकते हो ओपन केडी है, अच्छी खासी केडी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो हर प्रो बंदे पे भी डाउट होता है कि ये भी हैकर है। इसने हैकर को किल कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें मैं भी देख सकते हैं एक प्लेयर की जो आईडी है वो, सॉरी केडी है वो हाइड है, तो मैं कह नहीं सकता कौन प्रो है कौन हैकर है। तो आप जंप देख सकते हैं इसकी, थोड़ा इसका गेम प्ले मैं दिखा देता हूँ। उन भाई साहब ने तो चिकन रेंड नहीं कर पाया, जो भी थे वो तुम्हारी मौत, उनकी तो मौत बन के आ गया, उनकी मौत हो गई है। तो मैं वीडियो बस अब नहीं करने वाला हूँ यार, मैं बोर हो चुका हूँ यार, अब बंद कर रहा हूँ वीडियो, मुझे नहीं करनी है। लेकिन मैं, हाँ मुझे जितनी बार भी पबजी के अंदर हैकर मिलेगा मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड करूँगा, कुछ भी हो जाए, चाहे ऑडियंस बोर ही क्यों ना हो जाए, उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है। जब तक पबजी वाले ये ग्लिच या जो भी इनकी कमी है इसको सुधार नहीं लेते, तब तक मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। तो फिलहाल अब मैं वीडियो को बंद करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद, ओ अटैक हुआ भाई साहब, अटैक हुआ इन पे भी, और आप देख सकते हैं ये नंबर टू नॉक हो चुका है, और बहुत ही बेहतरीन, मुझे लगता है उधर की टीम काफ़ी प्रो है। अब जो भी है, फिलहाल मैं तो गेम बंद करने वाला हूँ, अब मैं और इसको आगे नहीं बढ़ाने वाला। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बस इतना ही दिखाऊँगा, और आपने अगर देख ही लिया है तो आशा करता हूँ यार आप शेयर करोगे मेरी वीडियो को, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इतना फैला दोगे इसे कि पबजी की टीम तक पहुंच जाए, जिससे पबजी वालों को कुछ सीख मिले और वो सुधार करें, टूर्नामेंट बाद में कराएं, उनसे सुधार पहले करने की अपील करते हैं हम इस वीडियो के ज़रिए। तो आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, समीर नूब नाम है यार, तो नूब बंदों को भी सपोर्ट कर दिया करो। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बस फिलहाल अब शब्द नहीं है यार, ओके ठीक है, टाटा बाय बाय।